हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज साइंस वन लाइनर के सीरीज में पार्ट वन लेके आया हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगी, चाहे आप बिहार एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन दे रहे हो या आप एसएससी सीजीएल सेंट्रल गवर्नमेंट वाला एग्ज़ाम दोगे, या आप बिहार दरोगा एग्ज़ाम दो, या आप बिहार सिविल कोर्ट एग्ज़ाम दो, चाहे आप एसएससी जीडी दो, सीपीओ, सीएचएसएल, कोई भी एग्ज़ाम दोगे, तो वहाँ पे आपको ये साइंस का एक मेजर पार्ट देखने को मिलता है। इसीलिए आपको हमेशा याद रखना है कि आपको साइंस किसी भी हाल में कंप्लीट करके जाना है। और साइंस से जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं ना, वो सारे इजी टू मॉडरेट लेवल होते हैं, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। आपको एमबीबीएस नहीं करना है, आपको बस क्या करना है, बस एक जनरल साइंस पढ़ना है, ठीक है? तो उसी के सीरीज में ये पार्ट वन वीडियो है, तो आपको मैं बताऊंगा बहुत सारे इम्पॉर्टेंट साइंस रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो उसी के सीरीज में ये पहला क्वेश्चन है। विच डिवाइस इज़ यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ विंड एंड इट्स डायरेक्शन। जो आपका विंड होता है ना, तो उसके डायरेक्शन, उसका क्या डायरेक्शन है, विंड किस दिशा में चल रही है, उस पर कितना फोर्स लग रहा है, क्या उसकी स्पीड है, वो सबको अगर आपको नापना है, आप उसको अगर मेज़र करना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आप एक डिवाइस का यूज करोगे जिसको बोला जाता है एनीमोमीटर। ये स्टार मार्क कर लेना, ये बीपीएससी में भी ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको ये हमेशा याद रखना है, ठीक है? सेकेंड क्वेश्चन बात करते हैं, वॉट इज़ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आखिर होते क्या हैं? तो आइसोटोप्स वैसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, लेकिन क्या हो, उसका मास नंबर डिफरेंट होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आइसोटोप्स कहते हैं। अब मैं आपको दो तीन एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपने सुना होगा कार्बन का, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो उसके आपको तीन आइसोटोप्स मिलेंगे। तो जैसे आपका C12 हो गया, C13 हो गया और C14 हो गया, टोटल तीन आइसोटोप्स आपको मिलेंगे। तो ये क्या है, ये आइसोटोप्स हैं कार्बन के, ठीक है? चलो थर्ड हम बात करते हैं क्या चीज़ का, ऑक्सीडेशन नंबर। आखिर ये भाई ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, आपको ये हमेशा याद रखना है। कोई भी एटम अगर नॉर्मल दिया, जैसे फॉर एग्जांपल ये एटम, ये आपका एक कंपाउंड है KMNO4, ठीक है? ये आपका एक कंपाउंड है, तो ये क्या है, इसके ऊपर आपको कोई चार्ज तो नहीं मिल रहा है, कोई -1, -2, -1 या फिर आपको -3, ऐसा कुछ तो आपको दिख नहीं रहा है। तो मैं इस कंपाउंड को क्या मान के चलूँगा, ये कंपाउंड हमारा न्यूट्रल कंपाउंड है, ठीक है? अब मैं आपको सिखाता हूँ कि आखिर ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड के एक पर्टिकुलर एलिमेंट का कैस किस तरीके से निकाला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये KMNO4 है, आपको पता होना चाहिए जो पोटाशियम है, ये के क्या, ये पोटाशियम को डिनोट करता है। जो के है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +1, आपने पढ़ा होगा। उसके बाद जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -2 होता है, ठीक है? तो आप बताओ कि यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन टोटल 4 है, तो 4 × -2 क्या होगा, 4 × -2 होगा -8 होगा, ठीक है? यहाँ हमने -8 जाना, ठीक है, -8 है, -8 है, अब -8 है, ठीक है? और आपने जस्ट अभी पढ़ा कि पोटाशियम का क्या होता है, +1 होता है, तो +1 हो गया, कितना हो गया, -7 हो गया। और ये कंपाउंड हमारा क्या है, ये कंपाउंड हमारा न्यूट्रल कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड को हमें न्यूट्रल करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, ऐड +7 ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, =0। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा कंपाउंड क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो जो +7 आपने ऐड किया है, वही इस पर्टिकुलर MN का क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, आपका +7 होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम इस कंपाउंड की, FeSO4। ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आपको पता होना चाहिए कि SO4 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है, ओवरऑल -2 होता है, इसके ऊपर, इस कंपाउंड के ऊपर -2 चार्ज होता है। अगर आपको इसको न्यूट्रल करना है, तो -2 में आपको क्या करना होगा, ऐड
प्लस टू ऐड करोगे तब तो ये कंपाउंड जीरो होगा। और हमने क्या ऐड किया, प्लस टू ऐड किया है, तो ये एफ ई का क्या हो गया आपका, प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सी यू ओ, यानी सी यू ओ की बात करते हैं। तो आपको मैंने जस्ट बताया कि ऑक्सीजन का क्या होता है, माइनस टू होता है, और इस कंपाउंड को न्यूट्रल करना है तो प्लस टू ऐड करना होगा, क्या हो गया, जीरो। तो इस कंपाउंड का जो ऑक्सीजन स्टेट है और उस पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या हो गया, कॉपर का, तो वो आपका हो गया क्या, प्लस टू हो गया। तो वही अदर भी कंपाउंड है, जैसे आप फॉर एग्जांपल CaCO3, आप इसका खुद से निकालना। उसके बाद MgO प्लस हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका FeCl2, इसका आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स की। ये इंपॉर्टेंट एसिड्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जैसे ये साइट्रिक एसिड हो गया, ये ऑक्जिलिक एसिड, शायद आपने रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया होगा तो वहाँ पे भी आपको ये मिला होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि आखिर ये कौन कौन से एसिड्स हैं इसका, और ये पाए कहाँ पे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता नहीं होना चाहिए कि आखिर इस पर्टिकुलर एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारे एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर इसका काम क्या है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल साइट्रिक एसिड, साइट्रस जो फ्रूट्स होते हैं, जो भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर आपको साइट्रिक एसिड मिलेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका लेमन हो गया, उसके बाद आपका ऑरेंज हो गया, वहाँ पे आपको ये मिलेगा, साइट्रिक एसिड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा है लैक्टिक एसिड, जो मिल्क होते हैं, खट्टे दूध होते हैं, वहाँ पर आपको मिलेंगे। ब्यूटायरिक एसिड जो है, जो बटर सड़ गया वगैरह, सड़ा हुआ बटर के अंदर आपको ये मिलेगा। उसके बाद टैटरिक एसिड हो गया, जो अंगूर आप खाते हो उस अंगूर के अंदर आपको मिलेगा। उसके बाद एसिटिक एसिड, जो आपका सिरका होता है, विनेगर, उसके अंदर मिलेगा। आपको पता होना चाहिए कि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैलिक एसिड, एप्पल, सेब के अंदर ये पाया जाता है। स्टीयरिक एसिड, फैट के अंदर पाया जाता है। उसके बाद एक क्या है, ऑक्जेलिक एसिड, ये तो ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, टोमेटो में पाया जाता है। कार्बोनिक एसिड, सोडा वाटर, एयरेटेड ड्रिंक में ये पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट गैस लॉस की। ये सब क्या है, ये हैं आपके गैस लॉ है। गैस लॉ जैसे कि पहला लॉ है आपका क्या है, बोयल्स लॉ है, दूसरा आपका चार्ल्स लॉ है, तीसरा आपका गे ल्यूज़क लॉ है, चौथा एवोगाड्रो लॉ है, ठीक है। ये चार लॉ है। और आपको पता होना चाहिए जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है वो क्या होता है, मैं आपको बताऊं तो आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इज इक्वल टू NRT। क्या होता है, PV इज इक्वल टू NRT होता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे क्या है, P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, तो इसका मतलब ये दोनों यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको P और V दिख गया, लेकिन आपको NRT भी यहाँ पे दिख रहा होगा, लेकिन NRT है ना, यहाँ पर ये कांस्टेंट होता है, इसका कोई काम नहीं है। तो वही आपसे अगर कोई पूछे कि बोयल्स लॉ का फॉर्मूला आप बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वॉल्यूम के। और वहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या चीज़ होता है, मैं आपको बताऊँ तो ज़रा, यहाँ पर आप कांस्टेंट की बात करो, कांस्टेंट आपका क्या क्या हो गया, एन हो गया, उसके बाद आर हो गया, उसके बाद टी हो गया, ये तीन जो है ये आपका कांस्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, चार्ल्स लॉ की। चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो हमने भी जस्ट पढ़ा कि क्या PV इज इक्वल टू NRT होता है, तो इस PV इज इक्वल टू NRT फॉर्मूला होता है आइडियल गैस इक्वेशन का होता है। तो आप ये बताओ कि कौन कौन सा बच गया, क्या क्या बचा हमारा, P बचा, N बचा, उसके बाद R बचा, और ये तीनों क्या होगा, कांस्टेंट होगा। चार्ल्स लॉ के अंदर जो फॉर्मूला होता है वो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होता है, और वहाँ पर प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स, एन होता है नंबर ऑफ मोल्स, और आर होता है गैस कांस्टेंट, ये तीनों आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सेम आप गे ल्यूज़क लॉ में भी ले लो, तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या क्या होगा, यहाँ पर कांस्टेंट की बात की जाए तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, उसके बाद गैस कांस्टेंट है, ये भी आपका कांस्टेंट होगा, उसके बाद आपका नंबर ऑफ मोल्स, ये भी कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस चीज़ का, अवगाड्रो लॉ का, जो इसका फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन, क्या होता है आपका, नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या रहेगा,
यहाँ पे पी कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे आर कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ पर क्या होगा, टी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और आर मैंने आपको जस्ट बताया क्या होता है आपका, गैस कांस्टेंट, और एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स हैं। ठीक है, और इस गैस कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है ये आपको कम से कम याद रखना है, क्योंकि कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिसका वैल्यू होता है 0.08212। ये LIT है, लीटर है। ATM क्या है आपका, प्रेशर है। और ये K क्या है आपका, टेम्परेचर है, जो कि -1 है। और M क्या है आपका, नंबर ऑफ मोल्स है, तो उसका इन्वर्स है। और अगर आप जूल जूल में याद रखना चाहो तो जूल में भी रख सकते हो याद, 8.314 होता है जूल, कैलविन इन्वर्स और मोल इन्वर्स। अगर आप कैलोरीज में याद रखना चाहो तो 1.987 कैलरी, कैलविन इन्वर्स और मोल इन्वर्स। अब फॉर्मूला रबर का क्या होता है, रबर का होता है आपका आइसोप्रीन होता है, ये क्या है, एक मोनोमर है, और इसी का हमको क्या बनाना है, पॉलीमर बनाना है। ठीक है, अब रिएक्टिविटी मेटल्स का देख लेते हैं कि आखिर मेटल्स का रिएक्टिविटी क्या है, कि आपको ये पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे कि वो कौन सा है, पोटाशियम है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट बात किया जाए तो वो कौन सा है आपका, सोडियम है। तीसरा बात किया जाए तो वो कैल्शियम है। चौथा बात किया जाए तो वो मैग्नीशियम है। फिर आपका एल्यूमिनियम हो गया, फिर जिंक हो गया। अब एक एक करके आप, मैं आपको बताता हूँ इसका एटॉमिक नंबर क्या है। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, सोडियम का 11 होता है, कैल्शियम का क्या होता है, 20 होता है, मैग्नीशियम का आपका 12 होता है, एल्यूमिनियम का 13 होता है, और जिंक का क्या होता है, जिंक का आपका, जिंक का 30 होता है। ठीक है, ये याद रखना, ये सब इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इम्पॉर्टेंट ओर्स का। मेटलर्जी जब भी आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ओर्स पढ़ने को एकदम मिलेगा ही मिलेगा। तो कुछ इम्पॉर्टेंट मैंने एलिमेंट्स लिया है, एलिमेंट्स लिए हैं, ये सारे एलिमेंट्स आपको एकदम याद रखने, क्यों, क्योंकि ये सब डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कि ये आपको ये लिख देगा एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चन आएगा कि सोडियम के कौन कौन से ओर होते हैं, चार ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आपको ये पता करना है। तो मैंने बस इंपॉर्टेंट एलिमेंट से लिए, जैसे कि आपका सोडियम हो गया, उसके बाद दूसरा नंबर कैल्शियम हो गया, तीसरा मैंने एल्यूमिनियम ले लिया, चौथा आपका पोटेशियम ले लिया, पाँचवा आपका मैग्नीशियम ले लिया, और छठा यूरेनियम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये BPSC में आई गेस 1-2 साल पहले ये पूछा गया था। तो हम लोग सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन सा क्या क्या है। सोडियम का एक है आपका कौन सा ओर है, चिली सॉल्ट पीटर, जिसका फॉर्मूला है Na2NaNO3 है। फिर बोरेक्स, आप ये याद रख लो बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Na2B4O7.10H2O। फिर कॉमन सॉल्ट, जो हम लोग नमक खाते हैं, उसका फॉर्मूला होता है NaCl होता है। फिर कैल्शियम की ओर की बात की जाए तो तीन ओर है, एक डोलोमाइट है, दूसरा कैल्साइट है, तीसरा जिप्सम है। एल्यूमिनियम की ओर की मैं बात करूँ तो वहाँ पे आपको तीन ओर मिलेंगे, एक बॉक्साइट मिलेगा, एक कोरोंडम मिलेगा, एक क्रायोलाइट मिलेगा। तो बॉक्साइट का फॉर्मूला याद कर लो, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। पोटाशियम की बात की जाए तो आपके लिए अच्छा है, ये दो ही ओर है, एक आपका सॉल्ट पीटर है जिसका फॉर्मूला होता है KNO3, और दूसरा होता है कार्नेलाइट, ये याद रख लो। मैग्नीशियम का आपको टोटल चार मिलेगा ओर्स, एक हो गया मैग्नेसाइट जिसका फॉर्मूला MgCO3, एक होता है डोलोमाइट होता है, एक होता है इप्सम सॉल्ट, फिर एक होता है कार्नेलाइट। आपको कार्नेलाइट छोड़ के ये तीनों याद रखना है, इसका फॉर्मूला आप याद कर लो, एग्ज़ाम में आएगा। जैसे मैग्नेसाइट का MgCO3, मैग्नेसाइट का क्या होता है आपका, MgCO3 होता है। डोलोमाइट का MgCO3.CaCO3, इप्सम सॉल्ट ये इंपॉर्टेंट है, MgSO4.7H2O। फिर यूरेनियम का दो है, एक हो गया कार्नेटाइट हो गया, दूसरा पिच ब्लेंड हो गया। पिच ब्लेंड का आप क्या करना, फॉर्मूला भी याद रख लेना। तो दो ही इसके इंपॉर्टेंट ओर है, कार्नेटाइट हो गया और एक हो गया पिच ब्लेंड। ठीक है, तो आज यहीं तक मैं इस वीडियो को रखता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही वीडियो का आप डेली अपडेट जानना चाहते हो, और एग्ज़ाम में आप अगर पास करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और अपने फ्रेंड्स को आप शेयर करो। जितना आप शेयर करोगे तो मैं इसका और भी पार्ट अपलोड करता जाऊंगा। ये पार्ट 1 है, और मैं अभी सब्सिक्वेंट आपके जब तक एग्जामिनेशन अभी नहीं होंगे, मैं डेली एक एक वीडियो डालता रहूँगा।
जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से पास कर पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।